चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी क्लास बिजनेस लॉ टेस्ट डिस्कशन क्लास है, हमारे पहले टेस्ट से रिगार्डिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, या बेसिकली टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, कुछ जनरल बातें हैं जिनको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा हम पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम लॉ के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस चीज को समझेंगे कि इस टेस्ट सेशन में बेसिकली हमने क्या क्या चीजें निकालनी है, हम एट द एंड क्या क्या कुछ करने के काबिल होने चाहिए, एंड इसी तरह हमारा कंक्लूजन जो होगा वो इस टेस्ट की डिस्कशन होगी। जाहिर सी बात है, फिर हम नॉलेज बेस्ड डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर या आपके आंसर्स के अंदर, आंसर बुक्स के अंदर जो है वो आपको प्रॉब्लम थे या इश्यूज थे, जो मैंने वहां पे रिकमेंडेशन दी थी या मैंने आपको कमेंट्स दिए थे, उनके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया? ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट बात के, लॉ के अंदर पेपर के अंदर जो होता है क्या मैटर करता है। बेसिकली लॉ के पेपर के अंदर कौन सी चीज मैटर करती है एग्जाम के अंदर, जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। देखो बेटा, हम इस फील्ड के अंदर, ऑलमोस्ट टीचिंग फील्ड के अंदर मुझे 6-7 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उससे पहले अगर हम सीए की बात करें तो हम 10-12 साल से इसके अंदर है, एंड हमने कभी भी जिंदगी में लॉ का रिजल्ट 30% से ऊपर जाते नहीं देखा, सिवाय इस अटेम्प्ट में जहाँ पे ये 40-44% गया। एंड उसके रीजन बिल्कुल ये नहीं है कि इस बार बच्चों ने तैयारी अच्छी की थी या इस बार बच्चे जो थे वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए थे या पेपर आसान था, नहीं। उसकी रीजन ये थी कि बेटा इस बार मेजर सिलेबस चेंज हुआ था लॉ के अंदर। बेसिकली सिलेबस चेंज नहीं हुआ, एक छोटा सा पोर्शन ऐड किया गया था, और जब भी कोई नया पोर्शन आई कैप की बुक के अंदर ऐड होता है तो मुख्तलिफ लेवल होते हैं टेस्टिंग के एंड प्रिपरेशन के आई कैप के अंदर, तो लेवल 3 तक टेस्टिंग होती है। लेकिन जब भी एक सिलेबस सब्सटेंशियली चेंज होता है तो वो हमेशा नए एडेड टॉपिक लेवल 1 पे टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये आई कैप की एक पॉलिसी है। तो लिहाजा इस बार जो पेपर था बेसिकली वो आसान इसलिए था, उसके अंदर रिजल्ट बच्चों का इसलिए अच्छा रहा क्योंकि उसके अंदर जो टेस्टिंग थी और जो आई कैप आपकी प्रिपरेशन टेस्ट कर रहा था वो लेवल 1 की कर रहा था, टोटल तकरीबन 35-40% पोर्शन का, हमारे बी ला के 35-40% पोर्शन का आई कैप लेवल 1 के ऊपर हमसे उसने टेस्टिंग की है, और हमारी प्रिपरेशन भी P1 लेवल की उसने चेक की है, तो इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, नहीं तो रिजल्ट हमारा कभी भी 25-30% ऊपर नहीं जाता। उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है बेटा, कि आई कैप का जो पेपर होता है हमेशा, खासतौर पर लॉ का, हमारा कैप में लॉ पढ़ने का पर्पज क्या है, मतलब एक सोचने की बात है कि हम एक चीज, अगर हम जिस तरह अकाउंटिंग की बात करें, हम PRC लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं कैप में, वहां पे अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर हम फाइनल में जाते हैं फिर अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर हम MSA में जाते हैं उसमें फिर अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो यार ये 4 जगहों पे अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, तो भाई फिर सिंपल एक फाइनल लेवल पे क्यों ना पढ़ ली जाए। आखिर क्वेश्चन है कि हम सारा शेड्यूल वही पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड भी वही है, कुछ नया स्टैंडर्ड ऐड नहीं होता, कोई नया स्टैंडर्ड नहीं है, वही चीज है, वही टेक्निक्स है, जो बैलेंस शीट आप इंट्रो में बनाना सीखेंगे वही आपने MSA में देनी है। असल में आई कैप आपसे डिफरेंट लेवल पे आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक कर रहा होता है। आई कैप कभी भी आपसे PRC लेवल पे आपसे कोई बहुत बड़ा नॉलेज टेस्ट नहीं करना चाह रहा होता, कोई अच्छी नॉलेज पे ग्रिप टेस्ट नहीं करना चाह रहा होता, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं टेस्ट करता उसकी, आप देख ले सिंपल MCQs बेस्ड होता है, तो MCQs तो चेक की हमेशा वहां पे होता है जहां पे रटा चेक होना हो, जहां पे आपके थोड़ा सा नॉलेज चेक होना हो, दैट्स इट। फिर जब हम कैप पे जाते हैं तो कैप में भी आई कैप आपकी कोई बे इंतहा ग्रिप नहीं आपकी चेक कर रहा होता सब्जेक्ट के ऊपर, कि भाई आप यहीं से ही वकील बन के निकलो और अदालत में खड़े हो जाओ और बोलना शुरू कर दो, जाके जनाब जी पटिशन फाइल करो एंड अपील्स में चले जाओ जी, माई लॉर्ड ये फाजिल दोस्त वगैरह वगैरह, नहीं। क्यों? ये तो आपने वीजा के फॉर्म में सीखना है, फिर आपने फाइनल के पेपर में भी वहां पे भी कॉर्पोरेट लॉ, और वहां पे तो सारा जिन है, ये सारा दोबारा पढ़ना है आपने कॉर्पोरेट फाइनल में जाके। इस लेवल के ऊपर आई कैप आपसे ये टेस्ट नहीं कर रहा होता 100% कि आपकी कंसेप्चुअल ग्रिप कितनी है, आपका रटा कितना स्ट्रांग है, आप क्या नॉलेज लॉ के अंदर जो है वो घुस चुके हैं। सर आवाज नहीं आ रही, किसको आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? आ रही है बच्चा? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो आपका नेट इशू हो सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, डिस्टर्ब नहीं करें, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव रखेंगे एट द एंड। ठीक है, और जिन जिनके पास हैंड फ्री या माइक है वो अपने पास रखें, हम बाकायदा 2-वे डिस्कशन से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेश्चन को सारों को 2-वे पे हम चलेंगे इंशाल्लाह, और आपके हम क्वेश्चन सारे एंड पे एंड लेंगे, लेकिन मैं कुछ जनरल बातें जो है वो करना चाहता हूँ शुरू में। तो लिहाजा आई क्या बेटा हमसे इस लेवल के ऊपर चंद चीजें डिमांड करता है। नंबर 1 पे वो आपसे टेस्ट करता है
आपकी ग्रिप ड्राफ्टिंग, आंसर की ड्राफ्टिंग। वो जब भी एक क्वेश्चन देता है आपसे, वो ये आपसे हर किसी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि आप जनाब उसकी भी बखिए उधेड़ के रख दो, तो उसके अंदर जितनी प्रोविजन आई हैं आप उसके साथ रिलेट करो, मुख्तलिफ उसके सीक्वेंस करो, उसके लॉजिक क्रिएट करो। नहीं, आई गैप जस्ट ये देख रहा होता है कि यार ये जो मैंने इसको क्वेश्चन दिया है, क्या इसको ये इंग्लिश समझ आई है? पहले नंबर पे क्या आपको ये इंग्लिश समझ आई है? नंबर टू के ऊपर क्या आपकी नजर से इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन गुजरी है? एंड थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कैप टेस्ट करता है बेटा, वो ये होती है कि क्या आप अपने आंसर को अपने क्वेश्चन के साथ लिंक कर पाए या नहीं कर पाए। ये मैं आज की क्लास में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा सिंपल चैप्टर वन का टेस्ट हुआ, इसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, 6 नंबर का बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। आगे जितने भी क्वेश्चन होने हैं ये बेसिकली अगले पेपर की मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस, अगले पेपर की आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपने अगले पेपर में कैसे डील करना है चीजों को, जब ये सिनेरियो बेस्ड के ऊपर हमने शिफ्ट होना है। तो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा लॉ के अंदर जो आपने प्रैक्टिस करनी है, नंबर वन आपने जो क्वेश्चन है उसको ट्रांसलेट करके पहले उसकी इंग्लिश समझनी है कि वो कह क्या रहा है। नंबर टू के ऊपर आपका जो आंसर है वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। देखो आंसर बिल्कुल आपका ठीक होगा, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आया, वो कहता है जनाब एबीसी कंपनी है, वो इस तरह की है, वो एक्स वाई जेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है या होल्डिंग है। अगर हम इसमें बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो बात करता है जनाब जी जैसे कि ए ने बी को कोई चीज दी है, बी ने उसको ऑफर कराई थी, ए ने उसको कम कराई, मैक्सिमम 2-3 केस बना के हमको दे देता है। बताओ जी इसका क्या इंपैक्ट होगा? हम क्या करते हैं, बुक उठाते हैं और उसके अंदर शुरू हो जाते हैं जनाब जी फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और शुरू होगा लिखना। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल करेक्ट लिखे, आपका रट्टा बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपको आंसर के इस आंसर जो ये क्वेश्चन होगा इसके आंसर के आपको 50% मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। उसकी रीजन कि भाई आपने रट्टा प्रोड्यूस कर दिया वहां पे। करना क्या था, आई कैप आपसे डिमांड क्या कर रहा था कि देखो आपने बुक पढ़ ली है, मुझे पता है आपने बुक पढ़ ली है, मुझे ये भी पता है आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अब मुझे ये बताओ कि जो बुक में पढ़ा है वो इस क्वेश्चन के साथ कैसे रिलेट करना है। आपने आपका आंसर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा होना चाहिए। ये हम जब अगली क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली जब आपको क्वेश्चन टेस्ट करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। हम आई कैप के सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे उनके ऊपर, अपने सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे, और हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि आई कैप बेसिकली निकाल क्या रहा होता है। तो एक चीज होती है बेटा क्वालिटी ऑफ आंसर, लॉ के अंदर क्वालिटी ऑफ आंसर जो है वो 70% मैटर करती है एग्जाम पास कराने में। और ये चीज जो शुरू में मैं कह रहा था कि हमारा रिजल्ट 30% से ऊपर नहीं जाता, उसकी रीजन के भाई नॉलेज सिर्फ टेस्ट ही आई कैप 30% करता है, बाकी क्या 70% होता है जो मैटर करता है, जिसपे हम काम भी नहीं करते, जिसपे हम फोकस भी नहीं करते, हमें बुक रेटे लगवाए जाते हैं, हमें नोट्स रेटे लगवाए जाते हैं, नहीं, असल चीज ही प्रैक्टिस है। क्या आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या आपका आंसर क्वेश्चन लॉजिकली कनेक्टेड है या नहीं है, एंड थर्ड नंबर पे आपकी ग्रिप कितनी है। तो आपसे कभी आई कैप ये नहीं डिमांड करेगा कि जी मुझे आपका रट्टा चेक करना है, नहीं, रट्टा तो आई कैप की बिल्कुल पॉलिसी के अंदर है कि मैं उसके खिलाफ हूं बिल्कुल, फिर हम रट्टा ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नहीं, आप जब आंसर लिखे उसके अंदर कंपनी के नेम यूज करें, कंपनी की वर्डिंग यूज करें, आप हर सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करें। और हमेशा 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 एक चीज ध्यान में रखिए बच्चा, आई कैप का कोई भी सजेस्टेड आंसर उठा के देख लेना, उसके अंदर 80% जो सोल्यूशन होता है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होता है, और हम लगे होते हैं पैराग्राफ लिखने में। एक हमारी अंग्रेजी का बेड़ा घर, ऊपर से लीगल लैंग्वेज, तीसरे नंबर पे हमारी तैयारी पूरी सूरी सिलेक्टिव स्टडी, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम पास हो जाएंगे लॉ के पेपर के अंदर, और हमने उस पैटर्न पे स्टडी की ही नहीं जो हमसे आई कैप डिमांड कर रहा है। आई कैप क्या डिमांड कर रहा है, आई कैप पता है उसे कि भाई देखो आपने बुक पढ़ ली है, मुझे यकीन है आपके ऊपर, आपको क्वेश्चन भी आता है, आपने देख भी लिया है, मुझे ये बताओ कि ये बुक वाली चीज इस क्वेश्चन के साथ कैसे लिंक होती है। इस चीज को कहा जाता है ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन। और हमारे टेस्ट सेशन में, इस टेस्ट सेशन में मैं जो सबसे ज्यादा फोकस कराऊंगा आपको वो हमारी ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर होगी, नॉलेज के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसके रीजन, एक क्वेश्चन आपने गलत लिखा है मैं काट दूंगा सजेस्टेड आंसर से, देख लो क्वेश्चन ठीक है, अगर मैंने आपकी यही गलतियां ही हाईलाइट करनी है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अब वो तो आपको सिंपल क्या कहते हैं, हर बुक के एंड पे भी एग्जाम पेपर मिल जाएगी, हर बुक का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा क्वेश्चन। और अच्छा अगली बात,
अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पास्ट पेपर टेस्टिंग के ऊपर। देखो बेटा, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, खासतौर पे कंपनी लॉ हो गया, हमारा पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इसके लास्ट वाले तीन चैप्टर, सॉरी एम लॉ जो है बिजनेस लॉ, इसके लास्ट वाले तीन चैप्टर छोड़ के बाकी सारा सिलेबस जो है ना, ये तकरीबन पिछले 15-20 साल से 8-10% वेरिएशन के साथ यही है। ठीक है, 8-10% वेरिएशन के साथ सारा यही है, 75% सिलेबस इसका। इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई अब तक 20 से 25 या 30 अटेम्प्ट हो चुकी है। हर अटेम्प्ट के अंदर आई क्या मिनिमम मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े, अगर हम उसको पोर्शन में ले जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन करता है। अब जरा आप देखें कि पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट, 20 से 25 अटेम्प्ट में 20 से 25 क्वेश्चंस को आप जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितने टॉपिक बनते हैं। तो इतने टॉपिक बुक के नहीं है जितने टेस्ट हो चुके हैं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक बचे एग्जाम के अंदर, बुक के अंदर मौजूद नहीं है जो आई कैप तकरीबन हर पॉसिबल तरीके से टेस्ट ना कर चुका हो। आपको नहीं पता होता, आपने क्योंकि ज्यादा ज्यादा 3-4 साल पुरानी पास पेपर की प्रैक्टिस की होती है, इससे नहीं पता। हमें पता होता है, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हम देखते हैं अच्छा ये 10 साल पहले मेल के नाम से था, अब फीमेल के नाम से आ गया, वर्डिंग सेम है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने वो वर्डिंग सीखनी है, हमने उस वर्डिंग के साथ फेमिलियर होना है, उस सीक्वेंस के साथ फेमिलियर होना है जो आई कैप यूज करता है, ताकि हमें एग्जाम में एक फेयर, ये भी होता है एग्जाम में काफी सारे फेयर या प्रेशर के साथ, एक प्रेशर जो होता है वो होता है फेयर ऑफ अननोन, कि हमारे सामने बिल्कुल नई चीज आ रही होती है, वो वर्डिंग हमने कभी देखी नहीं होती। तो लिहाजा जितना इंपॉर्टेंट आपका बुक तैयार करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पास पेपर की प्रैक्टिस है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा जो टेस्ट सेशन होगा वो एक्सटेंसिवली पास पेपर ओरिएंटेड होगा, कि हम उन क्वेश्चन को उस तरीके से करें जिस तरीके से वो एग्जाम में हमारे सामने आएंगे। क्यों, मैंने भी आपको बताया कि हर टॉपिक 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है, हर पॉसिबल वे में, हर पॉसिबल वे में हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम के अंदर नॉलेज 30-35% मैटर करता है आपको पास कराने में, 65-70% मैटर क्या कर रहा होता है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी टेक्निक्स, आपकी ग्रिपिंग, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये चीजें कर रही होती हैं। तो हमने इसके ऊपर मैटर करना है, फोकस करना है। ओके, आगे चलते हैं, ये बात मेरी यहीं पे खत्म। उसे अगली बात टाइम की, के शुरू के टेस्ट के अंदर टाइम नहीं था, बच्चे कह रहे थे कि हमें टाइम ऊपर स्पेसिफाई करके दिया जाए, और टाइम स्पेसिफाई करने का पहला नतीजा हमें कल कंपनी लॉ के पहले सजेस्टेड जो आपकी मार्क्स पेपर आया था उसके अंदर वसूल हो गया। वो ऐसे लग रहा था किसी ने मकोड़ा पकड़ के छोड़ दिया है इंक में डबो के ऊपर। भाई खुदा के बंदे, अभी तो आपके पास टाइम है, अभी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी थ्योरी के पेपर में ये अजाब होता है कि हम लिखना छोड़ देते हैं, हमने बुक्स निकाल लेनी, हमने यूट्यूब से लेक्चर निकाल लेने, हमने अपने दिल को मुतमाइन करने के लिए हमने जनाब जी सारा दिन यूं बुक पढ़ी है और लगे पड़े, थोड़ी देर बाद मोबाइल भी उठा के उसी बुक में रख लेना एंड लगे पड़े। व्हाट इज दिस, हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस ही निकल जाती है, और एग्जाम के अंदर हमने 20-25 सीटें लिखनी होती है। भाई पहले नंबर पे तो हमें अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस पे तो काम करना है। अब मैं अगर आपको टाइम दे दूं कि भाई ये 24 नंबर का पेपर, इसे 50 मिनट में करना है, तो आपने तो मुझे मकोड़े बना के दे देना, आप ये एग्जाम तो नहीं दे रहे। मेरा अगर फोकस इसी के ऊपर हो कि आप मेरे टेस्ट में फुल नंबर लेके जाओ, तो भैया फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो आपको वैसे ही बैठ के बांटू नंबर दो। नहीं, आपका भी ये फोकस नहीं होना चाहिए कि आप मेरे टेस्ट में फुल नंबर लो, ना ये मेरी प्रायोरिटी है कि आप मेरे टेस्ट में फुल नंबर लो। आप अपने सामने जहन में रखें आई कैप का फाइनल एग्जाम। तो मेरी नॉर्मल, ये बेसिकली मैं जो वीडियो नहीं बना सका इसके ऊपर, ये पहले आपको मैं बता नहीं सका कि हम इसके ऊपर किस तरह मैं नॉर्मली चलता होता हूँ, आप लोगों को शायद मेरे साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। मेरी ये टेक्निक होती है कि पहले 4 से 5 पेपर में तो मैं टाइम देता ही नहीं हूँ, कि भाई जितना भी टाइम लेना है लो, लेकिन पेपर साफ होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। चाहे क्यों ना आपको बुक से देख के लिखना पड़े, आप देख के लिखो, ओपन बुक कर लो, आप देख के लिखो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ड्राफ्टिंग के अंदर कोई चीज ना हो। जब हमारे 4 से 5 टेस्ट हो जाते हैं, हमारे हाथ की सीक्वेंस चल जाता है, हमारे हाथों को पता चल चुका होता है कि भाई हमने कुछ लिखना भी है और वो ये क्या कहते हैं हमें उसने एग्जाम में पास कराना है, तो फिर हम टाइम कंस्ट्रेंट की तरफ जाते हैं। अगर हमने वही आपको 50 मिनट ही देने हो तो हम 24 घंटे क्यों दे रहे हैं आपको, सोचने वाली बात है ना। हम ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे दे दें,
3 घंटे दे दें भाई, किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है भी तो भी नहीं। इसकी रीजन सिर्फ ये है बच्चा कि आपका अभी आपने राइटिंग पे प्रैक्टिस करें, अपनी ड्राफ्टिंग पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे। ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ ये जनरल नहीं है, ये आपके टेस्ट के अंदर मिस्टेक है सारी। नॉलेज वाली बातें तो हम इसके अंदर देखेंगे, सजेस्टेड आंसर देखेंगे, हो जाएगा। ये वो है जो आपकी मिस्टेक्स हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपको। अच्छा सर मैंने 50 मिनट में ही करा था, 28 को 1-8 से मल्टीप्लाई करके टाइम कैलकुलेट कर लिया। अच्छा हम इस पे बात करते हैं दूसरा, अभी रुको 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 अभी रुको, अभी नहीं इस तरह की बात कर रहे हैं हम, एट द एंड इसको करते हैं। तो ये कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट हमें करते रहते हैं मुफ्त में। अच्छा जी, तो बेटा आपने अभी टाइम को नहीं देखना, आपके पास 24 घंटे हैं, आप पूरा टाइम दें। जिस टाइम आप बिल्कुल इजी हो, जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री हो, सुकून से बैठ के आई कैप पैटर्न के ऊपर पेपर करो यार। आपके सामने जब क्वेश्चन आई कैप का है तो आप किसी और पैटर्न पे आंसर क्यों कर रहे हो यार, एक रजिस्टर ले लो। वेस्ट हो गया ना तो उसके 200 मेरे से ले लेना, पेपर पास कर गए अगर आप, अगर आपका ये 200 रुपए आपको एक रजिस्टर या आपको रफ शीट लेने में इशू हो रहा है, पेपर जिस दिन पास होगा मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे वापस कर दूंगा पैसे, आपके जितने भी रजिस्टर के ऊपर लगे होंगे। खुदा का खौफ करो यार, कोई 10-12 हज़ार फीस आप लेक्चर्स की दे चुके हो, 15-1500 आप टेस्ट की दे चुके हो, अभी आपने एग्जाम की 4-5 हज़ार फीस पेपर की देनी है, एंड उसके बाद आपकी सिचुएशन ये है कि आप प्रॉपर शीट के ऊपर नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी के 6 महीने दे रहे हो, और सबसे बड़ी फजूल बात आई कैप के स्टूडेंट्स के अंदर जो चलती है ना वो ये होती है यार ज्यादा से ज्यादा आई कैप क्या करेगा, मतलब फेल ही तो कर देगा ना। और फेल होना यार बकवास है, फेल होना कोई मजाक है। 6 महीने जिंदगी के, 6 महीने मेरे सामने कॉलीग बैठा है बिल्कुल इस टाइम सामने, और उसका लास्ट एमएसए 1 रहता है, एमएसए 2 पास हो चुका है, लास्ट टाइम में उसका एमएसए 1 रह गया था, क्वालिफाई होने वाला है इंशाल्लाह, ये भी कल परसों उसी का पेपर ही है और फाइनल को क्वालिफाई कर जाएगा। 6 महीने उससे पूछो जरा, उसकी जो सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए जानी है और एक गाड़ी मिलनी है, पिछले 6 महीने पूरे डिले हो गई है। ये मेरे सामने बैठा है, आप कहते हैं मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको, वो किताबें से खोल के और वो भी हैंड फ्री लगा के बैठा है, 6 महीने वेस्ट हो गए ना उसके, उसके सिर्फ 6 महीने इस वजह से रुक गए। आपको इस चीज की कीमत का अंदाजा ही नहीं है, आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपके छोटे छोटे कंफर्ट जोन आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर एट द एंड हम बैठे होते हैं जनाब फर्म के कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा, मेरा एफटीएस फला है, क्या मेरे इंडक्शन हो जाएगी। यार आप किसी की मोहताजी क्यों लेते हो, अभी आपकी कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो आपके पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या पेपर ऐसे कर रहे होते हो जिस तरह के पीछे कोई पता नहीं आपके कुत्ते लगे हुए हैं? पेपर आपने हमेशा, टेस्ट आपने हमेशा सुकून से अलहदा सेपरेट बैठ के एक सेपरेट शीट के ऊपर एग्जाम सेंटर समझ गया, आपने चेयर पे बैठना है, आप टेबल पे बैठना है। मैंने अगर आपके हर क्वेश्चन को प्रॉपर चेक किया है, हर क्वेश्चन पे मैंने टाइम लगाया है, मैंने आपके एक एक लफ्ज को चेक किया, और मैंने ये भी हाईलाइट किया हुआ कि आपने बीच में कहीं पे वर्ड रिपीट तो नहीं किया हुआ है। अगर मैं आपके पेपर को इतना टाइम दे रहा हूँ, हालांकि मेरा स्टेक तो इसके अंदर 0% से भी थोड़ा सा नीचे होगा, बल्कि स्टेक तो आपका इसके अंदर है, और मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं तरीके, आपने इनको अगले एग्जाम में मैंने ये देखना है कि आपने किस किसने फॉलो किया है। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आपने हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है, अगर क्वेश्चन कंपैरिजन है तो आपने हमेशा टेबल की फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करनी है। इस चीज को कहा जाता है क्वालिटी ऑफ आंसर। थ्योरी के पेपर में बेटा वैसे 50% नंबर कट जाते हैं, हमने नॉर्मली सुना हुआ है, हम एफएससी में भी यही देखते रहे, मैट्रिक में भी यही देखते रहे कि हमारे 50% मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। क्यों कटते हैं ये आज तक किसी ने नहीं सोचा और ये बताया नहीं, वो बेटा बेसिकली क्वालिटी ऑफ आंसर पे मैटर कर रहे होते हैं, वो आपके नॉलेज के नहीं होते, वो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर के होते हैं कि आपने कितना बेहतर प्रेजेंट किया है, आपने कितना साफ लिखा है, आपने जेन्युइन तरीके में लिखा, एक ओरिजिनल राइटिंग है वो। नॉर्मली हम क्या करते हैं हम स्टूडेंट, अब मेरी भी अपनी हमारी भी एक सोच है कि जहां पे हमें एग्जाम में होता है ना कि एक पॉइंट हमें नहीं आ रहा होता या हमारे स्पेलिंग मिस हो रहे होते हैं तो हम उसको यू करके लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को समझ ही ना आए स्पेलिंग क्या लिखा। भाई वो हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, ये हरकत नहीं करनी। मैं कह रहा हूं कि आप देख के लिख लेना, लिखना ठीक बस, ठीक है। तो लिहाजा आपने प्रेजेंटेशन, ड्राफ्टिंग और इस चीज के ऊपर फोकस करना है, और अगले 5 टेस्ट में आपने इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर नहीं करना कि आपका टाइम कितना या कितना नहीं रह गया। आपको 24 घंटे दिए हैं, आपने यूटिलाइज करना है, आपने अपनी इस वीकनेस को जो कि सबसे बड़ी वीकनेस है इसको आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ओके, अगला पॉइंट हमारा अब थोड़ा सा उसके आगे शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं जरा पेपर के ऊपर। हमारा खासतौर पर जो पेपर होता है बेटा, मैंने अभी आपको बता दिया कि इसके अंदर नॉर्मली जब हम कोई प्रोविजन लिखते हैं या जब हमसे कोई लॉ की लैंग्वेज पूछी जाती है, अब मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछा रहता है
कि सर क्या हम अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं उसके अंदर, क्या हम अपने अल्फाज में आंसर दे सकते हैं लॉ के अंदर। देखो बेटा, लेक्चर्स में मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता रहता हूँ और हमारी क्लासेस में ये चीज चलती रहती है साथ साथ। आपको एक मैं चीज बता देता हूँ कि लॉ की जो अंदर प्रोविजन होती है ना बेटा, इसका एक एक वर्ड मैटर कर रहा होता है। हम जिस वर्ड को कॉमन नॉर्मली लेते हैं, आज तक हमें क्या पता था कि हम शेल और विल कहाँ यूज करते हैं, मुझे बताओ जरा आप तमाम स्टूडेंट, शेल और विल हम कब यूज करते हैं, किस सेंटेंस में यूज करते हैं, कोई मुझे बताओ। क्या ये प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, या क्या कहते हैं पास्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है, कहाँ पे होता है, जरा मुझे बताओ। शेल विल में बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे यूज होता है? फ्यूचर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, लॉ के अंदर शेल एंड विल का क्या मतलब है, किसी को पता है इस चीज का? मस्ट, शाबाश। और मैं बस मैं इन्हीं से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो बेटा, लॉ की एक अपनी एक डेकोरम है, एक लैंग्वेज है। वहां पे जो वर्ड लिखा होता है ना, वो उस सेंस में नहीं होता जिस सेंस में हम नॉर्मल एक लिटरेचर इंग्लिश पढ़ते हैं। लॉ का अपना एक मीनिंग है, उसका अपना एक सेंस है। अगर आप वो सेंस अपनी वर्डिंग में मेंटेन कर सकते हो तो बेटा कर लो, आप अपनी वर्डिंग में लिख लो। लेकिन हर प्रोविजन के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिनका आपके आंसर में होना जरूरी है। अगर आप उनमें से एक भी वो एसेंशियल वर्ड मिस कर देते हो तो भैया आपकी पूरी प्रोविजन गलत हो सकती है, इन माई ओपिनियन। फिर वो एग्जामिनर की कोर्ट में बॉल चली जाती है कि भाई वो घर से खुश आया या बेगम से लड़के आया, आपको कितने नंबर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऑफर या एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं और कहीं पे कोई इस तरह की बात आती है, या हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं और वर्ड है मोर देन या मिनिमम 50% या मोर देन 50% या मोर देन एंड इक्वल टू 50%, ये एक वो वर्ड है। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी की पूरी प्रोविजन आपकी गलत कर देता है अगर ये स्किप कर देते हो। सेम इसी तरह अगर आप लॉ के अंदर, एक चीज बेटा जहन में रखें, लॉ के अंदर जब लॉ की प्रोविजन प्रोड्यूस हो रही हो, मेरी बात जहन क्लियर सुनिएगा और इसको इसी तरीके से सुनिएगा जिस तरीके से मैं कह रहा हूं। लॉ की जब भी आप कोई प्रोविजन प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोविजन अपनी एक्सप्लेनेशन में नहीं, कहीं पे भी नहीं, आपने 99% जगह के ऊपर सिर्फ शेल एंड विल यूज करना है। इज, एम और नोट, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, खत्म, कुछ भी नहीं है। विल एंड शैल यूज करना है नंबर वन। नंबर टू के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द लॉ जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। जब हम आंसर करते हैं ना, लॉ हमारा डायरेक्ट लिखा है, लेकिन जब हम आंसर कर रहे होते हैं हमारा आंसर मेजॉरिटी पैसिव वॉइस में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं एज पर लॉ किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो लिहाजा इज, एम, आर से जान छुड़ा लें लॉ के अंदर से, ठीक है। लॉ की अपनी एक लैंग्वेज है, हर प्रोविजन के अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। जब भी आप बुक याद करें, हर प्रोविजन के अंदर आपने नोट करना है कि यार ये चार वर्ड, ये पांच वर्ड, ये छह वर्ड, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अगले टेस्ट में। ये तो आपने मस्ट प्रोड्यूस करने हैं, इसके अलावा आप जिस मर्जी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं देखें। मैं प्रेफर करूंगा कि आप बुक की वर्डिंग यूज करो, ठीक है, ये एक बात गलत है। अच्छा, हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा, आपने यही लिंक यूज करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, फौरन इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। 40 मिनट का हमारा टाइम है, 10 मिनट रह गया। अच्छा तो भैया क्या करना है आपने, कि विल एंड शैल यूज करना है नंबर वन। नंबर टू के ऊपर हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करो, आप आई कैप के सजेस्टेड आंसर देख सकते हैं। नंबर थ्री, फुल टाइम लो, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बैठ के काम करो, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग के ऊपर काम करो, जल्दबाजी में काम नहीं करता। एंड नंबर फोर, थोड़ा सा सीरियसली काम करो। सीए के अंदर अगर एक पेपर फंस जाता ना बच्चे, तो फिर ये बहुत कम चांस है कि वो दूसरे अटेम्प्ट में निकलेगा, फिर क्या चांस है कि वो चौथी या पांचवी में जाके निकलेगा। और हम, मैं खुद इसका विक्टिम बैठा हूँ, मेरे सामने वो क्वालिफाई होने वाला बंदा भी विक्टिम ही बैठा है, ठीक है, हम खुद इसके विक्टिम बैठे हैं कि एक बार अगर एक पेपर रह जाए तो फिर बेटा 10-20% चांस है कि वो सेकेंड अटेम्प्ट में निकलेगा, वो तो नहीं निकलेगा, वो चौथी या पांचवी अटेम्प्ट में जाके निकलेगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि दूसरी बार बेटा आप बुक को हाथ लगाना भी दिल नहीं करता, ये वही बुक, वही टीचर, वही लेक्चर, यार कितना पढ़े, अगली बार बंदा नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता होता, ये मेरी बात जहन में रखें। अच्छा, उसके बाद
जब भी बेटा आप लॉ के अंदर कोई प्रोविजन प्रोड्यूस करें तो उससे रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट आपके सामने वो सारे लिखें। नंबर टू के ऊपर आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना। स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, एक्सेसिव लिखा हुआ है, खासतौर पे वो वाला क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने एक सिनेरियो दिया था अप्रूवल ऑफ बिल वाला, एक्ट फॉर्मेशन का, लॉ फॉर्मेशन का एक मैंने केस दिया। उसके अंदर स्टूडेंट्स ने, मैंने सिंपल यही कहा कि एक हाउस अगर विद अमेंडमेंट पास कर देता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, सिंपल दूसरे हाउस को भेजना है, जिसको जहां से वो आया था वापस उसको भेजना है, एंड अगर वो अमेंडमेंट वाला पास कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो ज्वाइंट सिटिंग कराओ, दैट्स इट। बच्चों ने उससे पहले भी चार लाइनें लिखी हुई है, उसके बाद भी चार लाइनें लिखी हुई है। बेटा एग्जाम के अंदर लॉ के पेपर में या किसी भी पेपर में 3 घंटे में नहीं होता ये पेपर। अगर आपको जेन्युइनली पेपर आता है ना तो बहुत मुश्किल है कि आप 3 घंटों में कर पाओगे, और फिर आप अगर आप एक्स्ट्रा लिखने बैठ जाते हो तो आप तो उल्टा बाकी आंसर्स का बेड़ा गर्क कर दोगे। तो हमेशा पॉइंट टू लिखना है, एक्सेसिव नहीं लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, इररिलेवेंट लिखने के कोई नंबर नहीं है, आपके नंबर कट जाते हैं। क्यों कटते हैं, फिर वही बात, क्वालिटी ऑफ आंसर डाउन हो जाता है, फिर हम समझते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी, क्योंकि पहली क्लास है, इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल से आपके साथ गपशप करना चाह रहा हूं ताकि आगे एग्जाम में आप इसको सारा ख्याल रखें। अगली क्लासेस हमारी 12 होंगी डिटेल, लेकिन इस तरह चीजें नहीं होंगी, तब हम जस्ट सिंपल पेपर या कुछ फर्दर चीजें जो है वो डिस्कस किया करें। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखना बेटा, कभी भी पेपर के अंदर अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना, अपने माइंड पे भरोसा नहीं करना बच्चा। क्यों, ये दुनिया की सबसे आलसी चीज है भाई, ये आपको हमेशा वो बताएगा जो इसको आता है, ये आपको वो नहीं बताएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दिमाग हमारा कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, ये क्या कर रहा होता है, उस क्वेश्चन में से वो वर्ड ढूंढ रहा होता है जो उसको फेमिलियर होते हैं, जो उसको फेमिलियर है, जो उसकी मेमोरी में मौजूद है। वो आपने क्वेश्चन पढ़ना, आपको लग रहा है आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बेसिकली ऐसा नहीं होता, आप वो वर्ड ढूंढ रहे होते हो जिससे आप तुक्का लगा सको कि यार ये फलाने टॉपिक से आया। आपका माइंड क्या करता है, 2-3 वर्ड वहां से पिक करता है, आपको बताता है यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है, और आप कहते हो मुझे आंसर आता है। ये तो भाई, ये तो आपके दिमाग ने आपको वो बताया जो उससे आता है, आप वो तो नहीं लिख रहे ना जो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो लिहाजा अपने माइंड में भरोसा नहीं करना, हमेशा आपने 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करना है लाजमी। अपने माइंड में कीजिएगा, वहां पे बैठ के एग्जाम सेंटर पे ना भरना शुरू कर दीजिए, मुअद्दिबाना गुजारिश है और वो शुरू हो जाइएगा, ऐसा नहीं करना। आपने वहां पे पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, एक बार पढ़ोगे हाईलाइट करोगे, दूसरी बार पढ़ोगे आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट वो मिलेंगे जो आप पहली बार स्किप कर गए। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग पढ़ नहीं रहा था, बल्कि वो तो सिर्फ वर्ड ढूंढ रहा था जो उसको फेमिलियर है। लिहाजा फेमिलियर वर्ड पे नहीं जाना, माइंड पे भरोसा नहीं करना, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फिर कन्वर्ट करना है, फिर आपने देखना है इसका आंसर क्या बनता है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है सारी बातें, यहां तक चले, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अभी हम थोड़ी सी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये तो हमारी 5-7 मिनट की मार है, और फिर हम आपके क्वेश्चन लेंगे। लिंक हमारी क्लास का हमेशा यही रहेगा, हमारी क्लास का लिंक यही रहेगा, ऑलवेज इसको सेव कर लें, जब भी हमारी क्लास होगी जस्ट आपको टाइम बता दिया जाएगा। यार यस सर तो बोलो, सो तो नहीं गया, सारे बोले यस सर, सारे बोले। नुसरा का आ गया और फजील आ गया, बाकी वो नींद में क्या, सुनहरा, अहमद, अली हैदर, भाई माइक नहीं हो सकता आपके पास, चैट बॉक्स है, लिखो यहाँ पे, सो तो नहीं रहे कहीं पे। अहमद रजा आ गया, शाबाश बचा, जबरदस्त। बाकी भाई जाग रहे हो ना सारे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर डिफरेंस करना था, तमाम स्टूडेंट ने ठीक किया, 2 गलतियां इसके अंदर। नंबर 1, कुछ स्टूडेंट ने टेबल की फॉर्म में नहीं किया, नॉर्मल पैराग्राफ की फॉर्म में चले गए। नहीं बेटा, इससे कभी भी आपका ये आंसर ठीक नहीं हो सकता 100%। उसकी रीजन, आपको नहीं पता कि आप पहले सिविल लॉ के अंदर जो चीजें लिख के आ रहे हो वही दोबारा क्रिमिनल लॉ के अंदर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, मतलब कंपैरिजन से मुराद होता है हर पॉइंट के अगेंस्ट में एक पॉइंट होना चाहिए। या तो एक तरीका होगा कि आप ऊपर जाओगे, अच्छा जी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, नीचे क्रिमिनल लॉ का वो लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग है। हमेशा कोशिश करनी है कंपैरिजन फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन, उसको हमेशा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये नहीं सोचना कि यार ये इतना हो जाएगा, इधर निका 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 10 लाइन, वो भाई आपका बिल आ रहा है यार, आप 2 सफों पे टेबल ले जाओ, आप अपने प्रेजेंटेशन को देखो,
आप ये देखो कि आपको पॉइंट्स क्या क्लियर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। आपने आठ लिख रहे हैं तो आप आठ पॉइंट ही लिखोगे। ऐसा होगा ऊपर वाले के, अच्छा मैंने ये भी देखा ऊपर वाले के तीन पॉइंट है, नीचे वाले के छह पॉइंट है। अब ठीक है, एक आधे पॉइंट का फर्क हो सकता है, चार पांच पॉइंट्स का नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो बेटा व्हाइट बोर्ड बना के, सिंपल सी बात है, आपने आपका पेज है दरमियान में लाइन लगाए, इधर सिविल लॉ लिखे, इधर क्रिमिनल लॉ लिखे, एंड फिर हेडिंग दे हर किसी की, जैसे डेफिनेशन है मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये ड्राफ्टिंग का पार्ट है। इस लेवल पे आईकैम आपकी बीकॉम लेवल की टेस्टिंग करता है, कैफ पे। यार आप बीकॉम के तो इक्वल हो नहीं है, मैं बातें करते हो और बीकॉम के तो इक्वल हो नहीं कैफ पास करके भी, और आप क्या सोचते हो कि आईकैम आपसे कैफ लेवल पे कोई लंबे लंबे लॉजिक टेस्ट कर रहा है? नहीं, आप कभी बीकॉम बच्चे का पेपर उठा के तो देखे कैसे प्यारा प्यारा सा लिखा होता है उस बंदे ने। थोड़ा सा साफ सुथरा करके, थोड़ा सा पेपर को रिस्पेक्ट दो यार, वोट को इज्जत देते हो तो कम से कम इसको भी दो, दे दो थोड़ी सी यार, पेपर को भी इज्जत दो, हम इसका नारा लगाने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ आपने, उसके बाद डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन अलहदा प्रोड्यूस करें, इसकी अलहदा प्रोड्यूस करें, कॉन्सिक्वेंसेज अलहदा लिखते हैं, इसके अलहदा लिखे, इसके अलहदा लिखे, एग्जाम्पल्स इसके अलहदा दें, इसके अलहदा दें, टेबल की फॉर्म में, ताकि आप दोनों उसी वक्त रिकनसाइल करते जाओ, आप खुद रिकनसाइल करते जाओ कि मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सिविल लॉ के तीन लिखो और क्रिमिनल के छह लिखो और आप कहो जी ये डिफरेंस है। भाई डिफरेंस तो वो होता है जो कंपैरिजन में होता है। ठीक है, अगर एक इसके छह होने तो सिविल के भी तो छह ही होने है ना, फिर डिफरेंस तो ना होगा ना वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन था नेशनल असेंबली इज इन सेशन। ठीक है, तमाम स्टूडेंट ने एक चीज लिखी, एक दो ने बेहतर किया इसको, कि मनी बिल जो है वो सेनेट को नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज देता। बेटा एक प्रोविजन इसके अंदर मस्ट लिखनी है। अच्छा, लास्ट में इस मनी बिल में वो सारों ने लिखी हुई है तकरीबन, इसमें नहीं लिखी हुई, क्यों भाई? इसने आपकी भुप मारी हुई है कि भाई सेनेट की सजेशन या रिकमेंडेशन ली जाती है, वो तो कम अज कम लिख दो यार, थोड़ा सा खुदा का खौफ करो भाई। वही मनी बिल है यार, जो इसके अंदर हो रहा है वो वहीं पे भी हो रहा है। अच्छा जी, नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट का लिखा हुआ था, सबने ठीक लिखा, वर्डिंग ठीक नहीं थी, कोई इशू की जगह मेड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। बेटा लॉ की वर्डिंग है यार अपनी, की खुदा का खौफ करो यार, है? आपने उसको वो प्रेस ही बना दिया, लिटिल थिंग्स, डैफोडिल्स, वो जो हम एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं, नहीं यार, वो भी हम रट्टे लगा के लिखते होते थे, इतनी तो इज्जत दे दो यार लॉ को थोड़ी सी भाई, मतलब थोड़ी सी तो दे दो यार। इशू होता है मेड, मेक और पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज किए हुए यार, ऐसा ना करो प्लीज, इशू होता है। ठीक है प्रेसिडेंट, फिर 120 डेज के बाद वॉइड हो जाता है। अच्छा है, वॉइड भी लीगल वर्ड है, लेकिन जो वर्ड बुक में यूज हुआ है रिपीट का करो, आप इसके मतलब लिखो, डिक्शनरी देखो, आप इसे जानना छुड़ाओ, फाइनल में जाके ये आपके फिर गले पड़ जानी है अगर अभी से आपने ना किया तो। अभी तो आपके पास टाइम है, फाइनल में तो टाइम ही नहीं होना इतना कि आप डिक्शनरी खोलो, उसमें से बैठ के देखो क्या है, ये चीज हो कैसे रही है। तो अभी ये चीजें करते जाओ कि रिपीटेड का क्या मतलब होता है, वर्ड का क्या मतलब होता है, जो इंग्लिश की लॉ की डिक्शनरी है, लीगल डिक्शनरी से मतलब देखना, इंग्लिश डिक्शनरी में इनके मतलब नहीं मिलेंगे आपको गूगल पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ, इसके अलावा वो लिखना था एक्सटेंशन वाला भी, प्रेसिडेंट के केस में हमेशा आपने वो जो एक्सटेंशन दे सकती है नेशनल असेंबली, या उससे पहले कैंसिल कर सकती है, अवॉइड कर सकती है रेजोल्यूशन पास करके, तो ये लिखना था, एक दो बच्चे ने लिखा था, वेरी गुड बच्चा। अच्छा हाँ, एक और चीज छोटी सी, मैंने यहाँ पे मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स तकरीबन 70-75% रखे हैं, 50% नहीं है, और ये नहीं हो सकता, उसके कई फैक्टर है। सबसे पहला